अब बहन मैं क्या बताऊं, मेरी बहू तो सारा दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती है, वो बहुत आलसी है। मेरी बहू तो नौकरी करती है, घर का सारा काम करती है, मुझे कभी उसे शिकायत का मौका दिया ही नहीं है। ये तो महारानी बनी बैठी है, जैसे मैं इसका कोई जिन हूँ और ये अलादीन, कि बस ये कोई मुझे काम कहे और मैं इसके लिए वो काम तुरंत कर दूँ। जैसे अभी देख लो, अभी ऑर्डर दे रही है, सासू माँ मेरा आज ये खाने को मन है। तो तू क्यों बनाती है, इसमें तो तेरी गलती है, तूने ही अपनी बहू को सर पे चढ़ा रखा है। अरे सिर पर क्या ही चढ़ा रखा है, अब तू तो जानती है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, इसलिए वो मुझे ऑर्डर दे देती है। मेरी बहू तो एक काम ना करे ना, तो मैं तो उसका जीना हराम कर दूँ। तुझे भी कह रही हूँ, तू भी अपनी बहू के साथ में थोड़ी टाइट हो जा, भला तेरी उम्र ही क्या रह गई है जो तू काम करेगी सारा। मेरा बेटा भी तो यही कहता है, लेकिन बहू है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देख गायत्री बहन, मेरा तो काम है तुझे समझाना, एक पड़ोसन होने के नाते मुझे तेरी चिंता है। अब तू जान और तेरी बहू जान, मैं तो चलती हूँ। पड़ोसन चली जाती है गायत्री को समझा कर। वहाँ गायत्री दिन रात खुद ही काम करती रहती, क्योंकि उसकी बहू एक नंबर की आलसी होती है, कुछ काम करके राजी ही नहीं होती। अब गायत्री खुद ही जूही के आलस से परेशान हो चुकी थी। जूही, और कितनी बार मैं तुझे समझाऊं कि कुछ काम कर लिया कर, अरे तू तो पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर सकती है, अगर तू नौकरी करेगी तो दिनेश का भी हाथ बढ़ जाएगा। मम्मी जी आप फिर से शुरू हो गई, आपको तो पता ही है ना कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होती है। तो मेरी माँ कहीं जाकर नौकरी ही कर ले, कल को तुझे बच्चा होगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, अब एक दिनेश की कमाई में क्या क्या होगा। मम्मी जी दिनेश तो कितना अच्छा कमा लेते हैं ना, और आसानी से घर खर्च भी निकल जाता है। अरे भाई क्या बात हो रही है, मेरा नाम मैंने सुना, क्या मेरी तारीफ की जा रही है यहाँ पर? मम्मी जी कह रही हैं कि काम करो काम करो, घर का काम ना करो तो नौकरी करो। अब बताओ ऐसी भी कोई बात होती है क्या कि घर का काम ना करो तो नौकरी करो? वैसे भी क्या ही जरूरत है मुझे ये सब करने की। जूही वैसे तो माँ सही कह रही है, एक बात बताओ, तुम सारा दिन घर पर बैठी ही तो रहती हो, पक जाती होगी ना, तुम्हारा मन कैसे लगता है बिना काम किए? मैं क्या कोई चावल हूँ जो पक जाऊंगी? देखो मुझे नहीं करना कोई काम वाम, जिसे करना है वो करो, मैं नहीं करूँगी कुछ काम। अरे बेटा तू छोड़ ना, इसकी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं घुसने वाला, इसके सामने बोलना इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ माँ तुम खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। अब जब भी कोई जूही को कुछ काम की कहता तो वो यही करती, अब सारा काम गायत्री ही करती रहती, लेकिन वक्त की मार अब उन पर पड़ने वाली थी। दरअसल एक दिन ऑफिस से आते हुए दिनेश का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गायत्री और जूही पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दिनेश की मौत के बाद उनकी खुशियां छिन जाती हैं। अब दिनेश बेचारा प्राइवेट नौकरी करता था तो उसकी कंपनी से भी कोई उम्मीद ना थी। अब इसी तरह से दिनेश की मौत के बाद कई महीने बीत जाते हैं। जूही मैं बस इसी वजह से कहा करती थी कि घर के काम ना सही, कम से कम बाहर नौकरी ही कर ले, वक्त का कुछ पता नहीं चलता बेटा, कब कैसा आ जाए। आज देख, आज हमारे पास जो कुछ भी सेविंग थी वो सारी खत्म हो चुकी है। मम्मी जी अब तो मुझे ताने देना बंद कीजिए, वैसे भी मैंने अपना पति खोया है, ऊपर से आप मुझे इतना ताने दे रही हैं। अरे आलसी औरत, मैंने भी मेरा बेटा खोया है, तुझसे ज्यादा मैंने उसके साथ वक्त बिताया था, दुखों का पहाड़ तो मुझ पर टूट रहा है। देखो मम्मी जी मुझसे नहीं होने वाली नौकरी वोकरी, हाँ मैं घर के काम में आपका हाथ बटा सकती हूँ। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, अगर हमने और कुछ दिन काम नहीं किया तो हमें भूखा पेट सोना पड़ेगा। मेरे पास ना एक आइडिया है। आइडिया क्या?
कैसा आइडिया। माँ जी आप ना खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो क्यों ना हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम शुरू करें। लेकिन मैं तो नील बट्टा सन्नाटा हूँ बहू, मुझे ना तो फोन चलाना आता है और ना ही कुछ और। आपकी बहू ने ना आलस में पड़े पड़े कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आता सब कुछ है। अब वक्त आ चुका है माँ जी कि आपकी बहू और आप और मिलकर कुछ बड़ा करें, जिससे कि हम दोनों ही फेमस हो जाएं। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, हमारी डूबती नैया को अब तू ही पार लगा सकती है। अब गायत्री शुरू करती है अपना ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने का काम, जहां जूही सारा काम सेट कर देती है और ऑनलाइन वो अपनी सास के बनाए खाने की उन तस्वीरों को डाल देती है जो वो तब क्लिक किया करती थी, और आज यही तस्वीरें उसके काम आ रही थी। ये सब काम करेगा ना? अरे हाँ माँ जी, ये आइडिया बहुत अच्छा काम करेगा। आपको तो पता है ना कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं, और जो ये एक बार ऑर्डर करेगा ना वो बार बार ऑर्डर करेगा। मम्मी जी ये रहा आपका पहला ऑर्डर मोमोज का। हाँ, और वो भी फ्राई मोमोज। तो क्या मैं मोमोज बनाना शुरू कर दूँ? नहीं तो क्या, अब मैं बाजार में ढोल पीटने जाऊँ? अरे मम्मी जी आप भी क्या बात कर रही हैं, जल्दी से जाओ और बनाओ, उसके बाद डिलीवरी करने भी जाना है। गायत्री अब लग जाती है मोमोज बनाने में, जल्द से जल्द वो सारा काम पूरा करती है और जूही उसे एड्रेस बताती है कि उसे कहाँ जाना है। अब ये उसके लिए नई मुसीबत थी कि डिलीवरी कैसे की जाए, अब साइकिल चलाना तो गायत्री को आता ही नहीं था। मुझे साइकिल पर ही जाना होगा डिलीवरी के लिए। अब तो ये आप ही को करना होगा माँ जी, क्योंकि मैं बाहर का काम नहीं कर सकती, मैं तो घर का ही काम करूँगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। ना बाबा ना। हाँ मैं तेरे आलसीपन से अच्छे से वाकिफ हूँ, वैसे तो कभी मैंने ऐसी साइकिल नहीं चलाई, शादी से पहले ही मैं साइकिल चलाया करती थी, लेकिन अब शर्म आ रही है। सही कहते हैं लोग कि वक्त इंसान से कुछ भी करा सकता है। अरे वो देख, ये बुढ़िया देख कैसे साइकिल चला रही है, बुढ़िया हो गई लेकिन जवानी नहीं गई इसकी। अरे अरे वो देखो, अरे वो बूढ़ी अम्मा, अरे साइकिल चला रही है, ये बल्ले बल्ले, अरे हमें तो साइकिल नहीं आती चलानी, अम्मा हमें भी सिखा दो। सभी को नजरअंदाज करके मैं यहाँ तक पहुँच गई, अब एड्रेस तो यही है। जी कहिए क्या हुआ? बेटा वो तुम्हारा मोमोस का ऑर्डर लाई थी। क्या कहा आपने, आप मोमोस लाई हो? हाँ बेटा मैं ही आई हूँ। अरे आंटी आप तो कमाल हो, आप तो बहुत साहसी हो। अच्छा ये लीजिए आपके पैसे। अपनी पहली कमाई लेकर गायत्री बहुत खुश होती है, अब उसे तो और साहस और हिम्मत मिलती है। अब वो पहले से भी ज्यादा खुश होकर जाती है अपने घर पर। अब तो कोई भी उसे देखकर हंसता कुछ कहता तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अपने घर पहुंचती है गायत्री खुश होकर। जूही जूही इधर आओ, बेटा ये लो हमारी पहली कमाई। ये हमारी नहीं आपकी पहली कमाई है, मैंने इसमें क्या ही कुछ खास किया, सारा कुछ तो आप ही का कमाल है। और ये लो आपका एक और ऑर्डर आ रहा है नूडल्स का। अच्छा तो फिर ठीक है मैं अभी बना देती हूँ। अब गायत्री को ऐसे ही ऑर्डर मिलने लगे, उसके खाने को सभी बहुत पसंद भी कर रहे थे। कई दिन बीतते हैं और गायत्री अपना ऑर्डर देने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो रास्ते में देखती है कि सड़क टूटी हुई है जिसकी वजह से रास्ता बंद होता है। अरे यार ये सड़क तो बंद है और मुझे जल्द से जल्द ही ऑर्डर देना था, अब दूसरा रास्ता तो बहुत लंबा है, लेकिन जाना तो वहीं से पड़ेगा। आंटी आप टाइम पर खाना नहीं ला सकती तो यार फूड डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो, बंद कर दो ना ये सब। मेरे घर मेहमान आए थे अब वो चले गए, अब मैं इस खाने का पैसा नहीं दूंगा। बेटा वो बीच में सड़क टूटी हुई थी इसलिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा, बस इसी वजह से देर हो गई। देखिए आंटी जी आपकी क्या परेशानी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चलो खाना रखो और जाओ यहाँ से, और पैसे मांगना मत।
गायत्री को अब बिना पैसे लिए ही वापस आना पड़ता है। जूही उसका उतरा हुआ मुंह देखकर पूछती है कि क्या बात है। जब गायत्री उसे सारी बात बताती है कि आज उसके साथ क्या हुआ। मेरी मम्मी जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कभी कभी अपने काम में ऐसा होता रहता है। आप फिकर मत करो, हम ना एक स्कूटी लेंगे। और पैसों की आप टेंशन मत करो, इतने पैसे तो हो ही गए हैं कि हम एक स्कूटी ले ले किस्तों पे, और धीरे धीरे किस्त भरते रहेंगे। मेरी बहू मेरा कितना साथ दे रही है। अब मेरी सास ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है, तो मुझे साथ देना ही होगा, नहीं तो लोग क्या क्या बातें बनाने लगेंगे। अब होता भी ऐसा, जब गायत्री इस बार स्कूटी से अपना ऑर्डर देने जा रही थी, तभी उसे मिल जाती है वही पड़ोसन जो उसे पहले समझा रही थी कि उसे अपनी बहू को सिर पर नहीं बिठाना चाहिए। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। बहू घर बैठे आराम फरमा रही है और सास बेचारी खाना डिलीवरी कर रही है, वो भी देखो तो जरा स्कूटी पे जा रही है। बेचारी, पता नहीं क्या ही होगा इसका इस उम्र में। तू मुझे ये बात मत ही बोल, खुद अपनी सास के आगे पीछे घूमकर सारा काम करती रहती है। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अरे तुझे क्या लगता है कि हमें तेरी सच्चाई नहीं पता? सारे पड़ोस को पता है तेरी सच्चाई। बहन, मैं तो बस ये कह रही थी कि बहू को भी कुछ काम करने दिया कर, उसने अपने पति को खोया है, अब क्या वो जिंदगी भर इसी बात का फायदा उठाती रहेगी। ये मेरे और मेरी बहू के बीच का मामला है, तो तू क्यों अपनी लंबी लंबी जुबान बीच में ला रही है। चल अब जाने दे मुझे। पड़ोसन को जवाब देकर गायत्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसे स्कूटी चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। जूही ने उसे चलाना तो सिखा दिया था, लेकिन उसे बार बार गिरने का डर रहता। स्कूटी से उतर जाती है गायत्री और पैदल ही चलने लगती है, और अपने साथ साथ स्कूटी भी खींचती है। लगता है आज भी खाने की डिलीवरी में लेट होगा, फिर से कस्टमर मुझ पर भड़केगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सही कह रही थी पड़ोसन, मैं भी कहां टॉम क्रूज बनने चली हूं। आपके खाने का ऑर्डर आया है। अरे आंटी जी, क्या आप खाना लेकर आई हो? क्या आप ही ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली सास हो? हाँ बेटा, मैं ही बनाती हूँ और मैं ही डिलीवरी भी करती हूँ। आप जैसे औरतें ही तो हमारे लिए मिसाल बनती हैं। मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। धन्यवाद बेटा। आपको देखकर अब मेरा भी कुछ करने का मन कर रहा है। जब आप इस उम्र में काम कर सकती हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती आखिर? बेटा मैं तो कहती हूँ, घर की हर औरत को अपना काम शुरू करना चाहिए। वक्त कैसा कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आंटी जी आपको देर हो रही होगी, ये लीजिए पैसे। अब गायत्री का काम दिन ब दिन बढ़ रहा था। अब उसे हर कोई ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली सास के नाम से जानने लगा। एक तरह से ये उसका नाम बन चुका था। अब वो खाना बनाती और डिलीवर करके जब तक वापस आती, तब तक बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते। जूही, अब तो मुझे अकेले काम करने में परेशानी हो रही है। हाँ माँ जी, मैं भी यही देख रही हूँ, और अब मैं ना आपकी मदद करूँगी। क्या, तू मेरी मदद करेगी? मतलब तू काम करेगी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मम्मी जी, मैं देखती रहती हूँ कि आप ना सारा काम अकेले ही करते हो, और ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप मतलब इतना सारा काम अकेले करते हो, मुझे ना शर्म आती है। वैसे तो मैंने कभी भी इस बात का बुरा माना ही नहीं, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, लेकिन तेरी इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। मम्मी जी, हम ना एक काम करते हैं कि घर पे ही खाना तैयार करेंगे, और फूड डिलीवरी के लिए ना हम लोगों को रख लेते हैं। कह तो सही रही है, हमें एक ठेला लगा लेना चाहिए, और डिलीवरी के लिए हम कुछ लोगों को काम पर रख लेंगे। बस फिर क्या था, दोनों सास बहू एक ठेला लगाती हैं, जिसका नाम होता है ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली सास। अब हर कोई उसे उसके इसी नाम से जानने लगा था। गायत्री का काम अब बहुत अच्छे से चलने भी लगा था। दोनों सास बहू मेहनत करके खूब पैसा कमाती हैं और अपनी
जिंदगी संवारती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।